करण अर्जुन पिक्चर तो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें ऐसे तो बहुत सारे आइकॉनिक डायलॉग्स थे, लेकिन एक डायलॉग था कि ठाकुर तो गयो, वैसे ही बॉलीवुड तो गयो। अगर इस तरह की मूवीज बॉलीवुड में बनती गई ना, तो वो दौर दूर नहीं जब लोग एक्टर्स को नहीं बल्कि ये नाम सुनकर ही भाग जाएंगे कि भाई ये बॉलीवुड की मूवी है। सीरियसली यार, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। भूत पुलिस मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाती है। ओवरऑल लेंथ 2 आवर 7 मिनट की, और ये वैसे तो 10 तारीख को शाम को 7:30 बजे रिलीज होने वाली थी, लेकिन एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, रात को 12 बजे रिलीज हो गई और मैंने ये मूवी देख ली। और मुझे अफसोस हो रहा कि ये मूवी मैंने क्यों देखा। हालांकि ये वीडियो में ज्यादा बड़ी नहीं करूँ, क्योंकि जब कोई फ्लॉप मूवी हो तो उसके लिए ऑडियंस का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। मूवी की कहानी फोकस करती है विभूति यानी कि सैफ अली खान और चिरंजी यानी कि अर्जुन कपूर। चिरंजी नाम अर्जुन कपूर पे एकदम सुटेबल पड़ता है। खैर, ये दोनों ही तांत्रिक है और ये अपने फादर की इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे। लेकिन अगर सैफ अली खान के कैरेक्टर की माने तो वो भूतों पर विश्वास नहीं करता। उसको ऐसा लगता है कि जब तक लोगों में अंधविश्वास है, तब तक हम लोग अपने इस धंधे को बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। वह अगर अर्जुन कपूर के कैरेक्टर की बात करें यानी कि चिरंजी की, तो उसको ऐसा लगता है कि भूत रियल में होते हैं, बट हमको कोई एक ऐसा केस नहीं मिल रहा जहाँ पर एक्चुअली रियल में भूत है। तो इसलिए वो किसी भी तरह से लोगों को बेवकूफ बना के अपने इस धंधे को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यामी गौतम का कैरेक्टर इन दोनों भाइयों को मिलता है और वो उनको अपने साथ धर्मशाला लेके जाता है। वो क्यों लेके जाती है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी की कहानी सुनने पर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो उसका एग्जीक्यूशन है वो उतना ही ज्यादा पैथेटिक है। कहने को तो ये कॉमेडी हॉरर मूवी है, पर इस मूवी में ना ही आपको कॉमेडी नजर आएगी ना ही आपको हॉरर फील होगा। राजपाल यादव भी है इसमें कैमियो में, जावेद जाफरी भी है, लेकिन उनके सीन्स में आपको हंसी आती नहीं। यार मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी। मैं ऐसा नहीं कि जानबूझ के बस हेट हेट नेगेटिव चीजें इस मूवी में ढूंढ रहा था, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सीरियसली एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर मुझे लगे कि हाँ यार इस बारे में मुझे बात करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे यार, सच में सॉरी। मूवी में अगर कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो एक भी कैरेक्टर उतना अच्छी तरह से नहीं लिखा जिससे हम लोग उनसे इजीली कनेक्ट हो पाए। हालांकि जब भी कोई कॉमेडी हॉरर मूवी बनते हैं तो हम लोग ये मान कर चलना चाहिए कि हमें सेंसलेस कैरेक्टर ही देखने को मिलेंगे, तो वैसे ही कैरेक्टर उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप लोग। मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करो तो देखो हर एक सीन को बहुत अच्छी तरह शूट किया, लोकेशंस बहुत बढ़िया है, बीजीएम क्या बोलूं यार। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार सैफ अली खान सर के लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि काफी अंडररेटेड एक्टर है, मगर इस पर्टिकुलर मूवी में उन्होंने कई जगह पे ओवर एक्टिंग की है। और उसके अलावा अर्जुन कपूर, यामी गौतम, जैकलिन फर्नांडिस के बारे में तो भाई मैं कुछ ही नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। आप लोग खुद देख लो, फिर उसके बाद जो आपको बोलने का आप लोग बोल सकते हो। ये मूवी 100% एक फ्लॉप मूवी है। अगर ये मूवी जो ऑडियंस को अच्छी भी लगी तो शायद वो ऑडियंस आज तक कोई अच्छी मूवी देखी नहीं है। मैं यहाँ पर फालतू का कुछ भी नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, मुझे ये मूवी 1% भी अच्छी नहीं लगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2 घंटे 7 मिनट जो अपने लाइफ के वेस्ट किए ना, ये दोबारा वापस नहीं आ सकते। तो आई होप आप लोग भी वेस्ट ना करो, लेकिन अगर आप लोग करना है तो यार करो, आप लोगों की मर्जी, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 4 आउट ऑफ 10। 4 भी सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक मूवी के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस वजह से 4 दे रहा हूँ, वरना ये कोई स्टार डिजर्व नहीं करती है। और पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, मूवी देखो जाके अपने फैमिली के साथ अगर आपके पास टाइम है तो। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पेड रिव्यूअर से बच कर रहना, साले पैसा ले लेके फालतू में तारीफ करेंगे। देखो यहाँ पर कुछ ही नहीं मिलता, बस ये सिर्फ शौकिया तौर पर किया जा रहा है। पैसे के लिए चैनल शुरू किया गया था, लेकिन अब पता चल गया कि अपने बस की बात नहीं, अपने को ये सब नहीं मिलने वाला। तो जो भी है मैं आपको ऑनेस्ट वे में बता रहा हूँ। पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिल दे जो करना है करो भाई।